नमस्कार, अभी तक भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज खबर बरहेट से भोगनाडी से है, जहां पर हुल क्रांति दिवस के अवसर पर सिद्धू कानू अमर शहीद सिद्धू कानू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, सांसद विजय हाजदा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, विधायक प्रतिनिधि सह सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर शहीद सिद्धू कानू के परिजनों को सम्मानित किया गया, 5 LED TV दी गई। सबसे बड़ी सौगात बरहेट वासियों को आज मिली। पंकज मिश्रा जी ने घोषणा किया कि बरहेट अनुमंडल का नाम, जो संभावित बरहेट अनुमंडल बनना है, उसका नाम सिद्धू कानू के नाम पर होगा, अमर शहीद के नाम पर होगा। इतना ही नहीं, भोगनाडी पंचायत का नाम भी अमर शहीद सिद्धू के नाम पर होगा। इसकी अनुशंसा जिला प्रशासन की ओर से शीघ्र ही की जाएगी। इस मौके पर जो घोषणा की गई बरहेट को अनुमंडल बनाने की और संभावित उसका नाम जो रखने का घोषणा किया गया, इससे बरहेट वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे पूर्व हुल दिवस के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से शहीद दिवस पर माल्यार्पण किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये बरहेट प्रखंड में सबसे पहले इन लोगों ने कोविड की वैक्सीन की सुई का आरंभ किए और सारा परिवार लिया, और ये क्षेत्र में भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन के तरफ से राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से इन लोगों को प्रोत्साहित के तरफ से टीवी देने का काम किया गया। जहां तक सिद्धू कानू की पवित्र भूमि है और आने वाले समय में जब ये अनुमंडल बनेगा तो सिद्धू कानू के नाम से ही सिद्धू कानू अनुमंडल बरहेट के नाम से ही जाना जाएगा। और मैं यहाँ उपायुक्त महोदय हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि आप भोगनाडी पंचायत का भी नाम बदलकर सिद्धू कानू पंचायत की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजें। मैं इनके इस पवित्र भूमि के इस पंचायत को सिद्धू कानू मुर्मू के नाम से इस पंचायत का नाम करने का प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे बहुत जल्दी। प्रथम तमाम सभी हमारे देश और विदेश सभी समाज को आज हुल दिवस हुल क्रांति का नमस्कार जोहार हम कहना चाहेंगे। हमारे भगवान सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू की इस जन्म स्थली पे हम लोग आज आकर के पूजा किए, और इस पूजा में हम पूरे विश्व को शामिल करते हैं जो मुश्किल घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं, और आप मीडिया बंधु के माध्यम से सबों तक ये खबर पहुंचाना चाहेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना के नियमों को पालन करें, वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लें। अभी की मुख्य जरूरत है कि आप नियमों का पालन करते हुए अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने बंधु बांधव को बचाएं, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन लें। और जो भी भ्रामक बातें फैल रही है वैक्सीनेशन के बारे में, मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि तीसरी वेव की भी आशंका हो रही है, ये दूसरा जो चरण गुजरा बहुत मुश्किल से, और सबों के, चाहे वो हम कहले हमारे डॉक्टरों के, हमारे प्रशासन के, हमारे पुलिसकर्मी, सब लोग अपना जान जोखिम में डाल करके लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन आम जनमानस के सहयोग के बिना ये संभव बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मेरा आप लोग के माध्यम से आग्रह है कि सुरक्षा के साथ वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें, हर एक व्यक्ति